हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12 का चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रवाह द्रव्य तरंग। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था तरंगे सिद्धांत की असमर्थता। क्या असमर्थता? असमर्थता यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंगे सिद्धांत की असमर्थता के बारे में पढ़ा था। उसके दो तथ्य पढ़ लिए थे हमने, दो तथ्य पढ़े थे। पहला तथ्य समय कालपश्चित्ता के बारे में, समय पश्चित्ता के बारे में, अर्थात प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कुछ समय लगता है। तरंग सिद्धांत तो ये कहता है जबकि प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय नहीं होता, बीच में कोई अंतर नहीं होता, ये हमारा प्रायोगिक परिणाम है। तो इस प्रकार वह उस समय अंतर को व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रकाश की तीव्रता पर तरंग सिद्धांत के अनुसार तो निर्भर करती है, लेकिन वास्तव में तरंग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इन दो कारकों को तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया। अब करते हैं बाकी के दो कारक रह जाते हैं जिनकी भी व्याख्या कौन सा सिद्धांत नहीं कर पाया, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो पहला कारक है, तीन नंबर कारक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर आवृत्ति का, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर आवृत्ति का प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या निकलेगा, धातु की सतह को छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो आवृत्ति पर किस प्रकार प्रभावित है? तो जैसे इस तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो इफेक्ट, आवृत्ति का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उत्सर्जन पर। देखिए क्या कहा गया इस सिद्धांत के अनुसार कि जो ऊर्जा है, कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में है, तरंग के रूप में है। अर्थात जो गति करेगा प्रकाश वो किसके रूप में करेगा, तरंगागर, तरंगागर के रूप में करेगा। वो तरंगागर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस पर निर्भर करती है, साइज या कह सकते हैं आयाम या कह सकते हैं तीव्रता, इन पर क्या करती है, डिपेंड। तो जो ऊर्जा है वो किस पर करती है, तीव्रता पर डिपेंड करती है। अब तीव्रता ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर कार्य फलन के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ देगा। तो इस सिद्धांत ने क्या कहा कि ये धातु की सतह है, अगर इस पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो क्या होता है, ये तरंगागर क्या है, प्रदीप क्षेत्र को क्या कर लेता है, घेर लेता है। प्रदीप क्षेत्र के क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है, समान रूप से ऊर्जा देता है। तो क्या होता है कि ऊर्जा देता है तो ऊर्जा ही हमें क्या कहेगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ऊर्जा पर ही डिपेंड है। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कार्य फलन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का मान कार्य फलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ऊर्जा क्या है, तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर करती है। तो मतलब जब प्रकाश क्या हो, पर्याप्त तीव्रता को, पर्याप्त तीव्रता, पर्याप्त उच्च तीव्रता कह सकते हैं, पर्याप्त उच्च तीव्रता, मतलब पर्याप्त उच्च तीव्रता होता कि प्रकाश की ऊर्जा क्या, ऊर्जा जो हो, प्रकाश की ऊर्जा क्या हो, सही हो, बढ़िया हो, अधिक हो। यानी जो प्रकाश आपतित करा रहे, पर्याप्त उच्च तीव्रता का प्रकाश जब धातु की सतह पर आपतित करवाते हैं तो प्रत्येक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, प्रत्येक आवृत्ति पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। यह कहा था क्योंकि ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो ऊर्जा है वो तीव्रता पर डिपेंड करती है। तो तीव्रता पर्याप्त होनी चाहिए, एक निश्चित तीव्रता ताकि इलेक्ट्रॉन को उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो निकाल दे, पर्याप्त तीव्रता तो है ही हमारे पास, लेकिन उसकी आवृत्ति है चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि प्रकाश की तीव्रता पर्याप्त उच्च है, तीव्रता पर्याप्त उच्च है, आवृत्ति कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होना चाहिए।
ये तरंग सिद्धांत ने कहा, लेकिन यहाँ भी फेल हो गया, क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, क्यों किस प्रकार हुआ कि पर्याप्त ऊर्जा तीव्रता का जब प्रकाश आपतित होगा तो क्या होगा, जो प्रदीप्त क्षेत्र में आपतित होगा तो इस क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा तो वह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर चला जाएगा, यानी उत्सर्जन के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी उसकी कार्य फलन के बराबर, तो वह उसको छोड़कर चला जाएगा। तो ये कहा था तरंगी सिद्धांत। लेकिन जो मिल्कन और लिनार्ड ने जो प्रयोग किया था प्रकाश द्युत प्रभाव में, उसमें जो रिजल्ट आया था वो इसके अनुकूल नहीं था। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आवृत्ति पर क्या नहीं प्रभावित, प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। लेकिन जो प्रयोग हुआ प्रयोगिक रूप में अगर प्रकाश की आवृत्ति अगर दिल्ली आवृत्ति से कम है, अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित यानी दिल्ली आवृत्ति से कम है, से क्या है कम है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, तीव्रता कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ज्यादा क्यों ना हो। मतलब प्रयोगिक रूप में कहा कि अगर प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित यानी दिल्ली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा, नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी ज्यादा हो, तीव्रता चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब आवृत्ति का मान दिल्ली आवृत्ति से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। और दिल्ली आवृत्ति, जब आवृत्ति का मान दिल्ली आवृत्ति या दिल्ली आवृत्ति से अधिक है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी क्या हो, कम हो, तीव्रता क्या हो, कितनी भी कम हो। अगर तीव्रता कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जरूर होगा। इसलिए कहा गया प्रायोगिक रूप में, तो तरंग सिद्धांत ने तो कहा कि आवृत्ति पर कोई निर्भरता नहीं होनी चाहिए, कोई डिपेंड नहीं करना चाहिए, जबकि प्रयोग में हमें आवृत्ति के बारे में पता कि एक निश्चित दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, तीव्रता कुछ भी हो, तीव्रता का मान कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली आवृत्ति से उच्च हो या उसके बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है, ये बताई थी। और यहाँ फेल हो गया तरंगे सिद्धांत। अब तरंगे सिद्धांत यहाँ फेल हो गया, अब आता है इसका नेक्स्ट कारक 4 नंबर, और तरंगे सिद्धांत कहाँ फेल हुआ। हमने 3 तथ्य देख लिए जिनमें जो तरंगे सिद्धांत क्या था, एस्मर दिखाई दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी भी नियम को समझा नहीं पाए। अब करते हैं 4थे की बात। चौथा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का आवृत्ति पर, गतिज ऊर्जा पर आवृत्ति का प्रभाव, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका किस पर प्रभाव, आवृत्ति पर प्रभाव। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसकी जो ऊर्जा है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, ऊर्जा जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की जो अवशोषित करेगा प्रकाश के आपतन से, तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक तो होगी कार्य फलन के रूप में नष्ट हो जाएगी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। और कार्य फलन तो प्रत्येक धातु के लिए क्या है, नियत है, निश्चित है। तो अगर ये ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये ऊर्जा देखेंगे। अब क्या कहा गया, प्रकाश है वो क्या है, तरंग है, तरंग है तो किसके रूप में व्यवहार करेगा, प्रकाश क्या है, तरंग, तरंग किसके बातें व्यवहार करेगी,
प्रकाश तरंग है, तरंग सिद्धांत की पालना करेगी। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गति करेगा और तरंगाग्र की जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती, तीव्रता के समानुपाती है। अर्थात इसने क्या कहा तरंग सिद्धांत ने, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है, ये कहा गया। लेकिन जो प्रायोगिक जो प्रयोग किया गया था उसमें क्या गया कहा, प्रायोगिक रूप में क्या गया गया, आवृत्ति म्यू का मान बढ़ाने पर आवृत्ति म्यू का मान बढ़ाने पर क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रायोगिक रूप से ये कहा गया कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो समानुपाती आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है, तो समानुपाती है ये कहा गया। लेकिन तरंग सिद्धांत ने कहा कि इनमें आवृत्ति पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जबकि अब जो प्रायोगिक रूप से हमने पता चला कि इसका डिपेंड है आवृत्ति, जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो हमने इसमें चार तथ्य पढ़े जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत करने में क्या रहा, असमर्थ। क्या रहा, असमर्थ, असमर्थ रहा बेचारा। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन चारों तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि तरंग सिद्धांत प्रकाश द्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। इन चारों तत्वों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश द्युत प्रभाव, प्रकाश मतलब तरंग सिद्धांत प्रकाश द्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता। इसके बाद नया सिद्धांत आने की क्या हुई आवश्यकता, कि कुछ नया सिद्धांत आए और प्रकाश द्युत प्रभाव को समझाए और प्रकाश की जो प्रकृति है तरंगीय प्रकृति पर क्या उठा सवाल, क्वेश्चन उठा कि ये तो गजब हो गया कि जिस प्रकाश को हम प्रकाश की तरंगीय प्रकृति मान रहे थे वो तो आज हमारा स्वभाव छोड़ गया, प्रकाश द्युत प्रभाव में हमें साथ छोड़ गया, इसको समझाने में असफल हो गया, ये कैसे हुआ। तो ये तो इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। और आप लगातार बने रहें हमारे साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।